तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग जा रहे थे ये विशाल मेगा मार्ट, जहाँ पे मैं एक बार गई थी, आप लोगों को दिखाया था वहाँ पे। तो वहीं जा रहे हैं और वहीं पे निखिल जाता है ट्यूशन, वहीं के आसपास मार्केट से थोड़ा दूर पे, वहीं पे जाता है। तो कह रहा मम्मी चलो साथ में, मैं भी चल लेता हूँ। और मैंने भी अकेले, क्योंकि रूमा भी नहीं थी घर पर, रूमा चली गई थी क्लास के लिए, और सोना थी, तो मैं कि सोना घर पर रह लेगी, क्योंकि घर पर कोई नहीं रहता, तो फिर कोई आता होता है या कोई काम रहता तो पता नहीं चल पाता है। तो फिर हम और निखिल आ गए थे यहाँ पर। और गाइस मैं जो है ना किचन का आइटम ही लेने आई थी, और मैंने आप लोगों से पहले भी वीडियो में बताया था कि जो है ना मुझे मॉपिंग लेना था, तो उसी के लिए आई थी। लेकिन जब आप आ जाओ ऐसे मॉल वगैरह में तो कहाँ फिर मन मानता है, होता ही है ना। तो फिर मैं जो है ना कि आई तो बड़े अच्छे अच्छे मतलब ये देखिए जैकेट्स, पूरे विंटर के जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं ना, जैकेट्स और गर्म जो है कि सारे स्वेटर वगैरह थे और टी शर्ट वगैरह अच्छे लग रहे थे। तो यही मैं देख रही थी, बट कलर इसमें यही बस था जो है कि ब्लू कलर था, और कोई कलर भी नहीं था, और सेम नंबर के ही थे, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और मेरे पास है, मेरे पास जैकेट नहीं, कोट है और बड़े वैसे स्वेटर है लॉन्ग वाले, तो मुझे एक जैकेट लेना था, बट ये ना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद गाइस ये देखिए कितने अच्छे अच्छे इस तरह के टी शर्ट आई हुई थी, मतलब विंटर के लिए, रूमा के नाप की, सोना के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो निखिल से मैंने बोला ले लूँ, तो कह रहा नहीं मम्मी रहने दो, उन लोगों को लेकर आना कभी किसी दिन, तो साथ में ही ले लेंगे उन लोगों को जो अच्छा लगेगा। तो फिर उसके बाद गाइस वही बस हम लोग ज़्यादा मतलब नहीं घूमे थे, थोड़ा सा ही देखा मैंने। उसके बाद देखे मैं आ गई थी यहाँ पे, तो जो भैया लोग रहते हैं ना, लगे रहते हैं जो इसमें काम वगैरह करते हैं वो लोग, तो उन्हीं से मैं पूछी, तो कह रहे थे कि मैम नहीं है, बट मैंने देखा था तो यहाँ पे था मॉपिंग पिछली बार जब मैं आई थी। तो यही मैं देख रही थी कि अगर मिल जाता तो सही रहता, तो वही आई फिर देखने के लिए गाइस, और देखा फिर मैंने, लेकिन पसंद नहीं आया मुझे। जैसे ना कोई ब्रांड का नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही बेकार सा लग रहा था, बिल्कुल हल्का था क्वालिटी में। तो मुझे ये होता ना कि हम किचन के जो आइटम्स लेते हैं ना, तो डेली तो लेना नहीं होता है, कभी कभी ही लेते हैं, और ऐसा लेते हैं कि जो है कि काफ़ी कुछ लंबे समय तक जो है कि चल जाए। क्योंकि ऐसी जो देखिए ये मैं दिखा रही हूँ ना, ऐसी चीज़ें जो है ना कि बार बार तो ली नहीं जाती हैं। तो ऐसा होता, पहली बार सेम मैंने ऐसे ही लिया था, ऑनलाइन मंगाया था, बट वो बहुत ही बेकार निकल गया, मतलब टूट गया वो। तो फिर उसी में का सेम था ये, लेकिन मुझे फिर पसंद नहीं आया, किसी ब्रांड का नहीं था, तो फिर मैं कही फिर ये चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ना इसके जो हैंडल होते हैं ना बहुत ही वीक होते हैं, और टूटने का डर जल्दी रहता है कि टूट जाते हैं ये। उसके बाद गाइस हम लोग निकल आए, नहीं था वहाँ पे, और उसके बाद जो है कि हम लोग आए, मैं कही कि चलो यहीं पे, मैंने बताया था जैसे आप लोगों से पहले कि यहाँ पे पास में ही मार्केट भी है इसी से सटे, तो फिर हम लोग जो है कि मार्केट में चले जाते हैं। और उससे पहले देखिए गाइस सामने ये पिज़्ज़ा का वो लगा रखे थे, अगर और ये ना अभी लगाए, पहले नहीं था पिज़्ज़ा का जो ये लगा हुआ है। तो फिर अरे चलो मम्मी खा लेते हैं, आज हम लोग यहाँ पे पिज्जा खाने के लिए खड़े हुए हैं। और मैं बोली सोना रोएगी फिर, तेरा कोई बात नहीं है, उसको पैसे देकर आए हो ना, बस उतना ही काफ़ी है, और हम लोग पिज्जा खा के फिर अभी जाएंगे, और उसके लिए मैं कुछ लेकर चली जाऊँगी, चाहे एक और पैक करवा लूँगी उसके और रूमा के लिए। तो ये देखो कितना ज़्यादा खुश है, और इनको ट्यूशन भी जाना, यहीं पर आता है गाइस। ये गाइस ये देखिए हमारा पिज्जा जो है कि रेडी हो गया है, और ये देखिए गाइस ये हमने छोटा सा ही ले लिया था पिज़्ज़ा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी समय हो गया था हम लोगों को पिज़्ज़ा खाए हुए, तो मैंने कहा चलो ठीक है खा लेते हैं। फिर गाइस देखिए ये देखिए मार्केट की जो ये भैया है ना, यहाँ से ही मैं ले जाती हूँ एक दो, मतलब किचन की मैं मतलब आइटम्स ले गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब थे यहाँ पे। इनके यहाँ पे सारी चीज़ें जो है किचन की जो होती है ना सभी अवेलेबल होती हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, फिर यहाँ से मैंने देखा तो ये मॉपिंग जो है मैं यहीं से ली, और मुझे काफ़ी पसंद आया। ये मिल्टन का मैंने लिया, 1 ईयर की जो है ना गारंटी के साथ इन्होंने दिया, तो काफ़ी अच्छा भी लगा, और लगा कि चलो अच्छा है, मतलब 1 ईयर की गारंटी है, कम से कम 1 साल तो चली जाएगा।
सकते ही हमने लिया, और उसके बाद जो है कि हम लोग जा रहे थे घर पे। निखिल कहा चलो मम्मी मैं छोड़ के उधर से, मतलब जहाँ इसको जाना था वहाँ तक मुझे, कह रहा था साथ में चलता हूँ फिर उधर चला जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। और देखिए गाइस मार्केट कितनी ज़्यादा इतनी अच्छी लगती है ना, जितना आप शाम को रात में जाओगे ना उतने ही ज़्यादा मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रौनक रहती है। इस समय विंटर सीजन है तो और ज़्यादा ही बहुत ही अच्छा है। जैसे कि इस समय सारे जो है कि स्वेटर आपको कलेक्शन देखने को मिलेंगे, और जैकेट्स हो गई, टोपी, हर एक शूज हो गए, मतलब हर एक चीज़ विंटर के दिखेंगे। और क्रिसमस भी है, न्यू ईयर आ रहा है, तो इस वजह से भी बहुत ही ज़्यादा मतलब मार्केट में रौनक रहे कि कंबल वगैरह सब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था देखने में। तो फिर हम वही मैं लेती हूँ, और उसके बाद गाइस मैं फिर ना घर चली जाती हूँ। यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ पर आती हूँ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और मैं आई थी ना यहाँ पे आज पपी को देखने के लिए, क्योंकि कल हम लोगों ने ना दे दिया था, आशीष को छोड़ दिए थे, बट मुझे जैसे टेंशन सी हो रही थी कि एक बार देख लूँ उसको सेफ है कि नहीं है। तो इसमें पहचान में ही नहीं आ रही है वो बिल्कुल भी, इतने ढेर सारे मतलब बच्चे हैं ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा पपी है। सेम कलर के ही हैं बच्चे सारे, तो अच्छा लगा देख के कि चलो वो अगर होगी इसी में तो सेफ है कम से कम। क्योंकि घर पे ना बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रही थी, ऐसा लग रहा था ना मिस कर रही थी अपने मम्मी और भाई बहनों को। तो अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, देख ली हूँ मैं ना यहाँ पे तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं जा रही हूँ घर पे, मैं कहीं थोड़ा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। हो जाता ना एक लगाव सा हो जाता है, मतलब हम ऐसे पपी वगैरह, इसीलिए मुझे बहुत जैसे ना अजीब सा लगता है। मतलब दे दी थी मैं, जो दीदी के लड़के हैं ना वही ले आके छोड़ दिए थे सामने, वही लेकर भी गए थे साथ में ही, लेकिन मुझे फिर भी ना थोड़ा सा पता नहीं मन में अजीब सा लग रहा था कि एक बार मैं जाके देख कर आऊँ कि कैसी है पपी कैसी नहीं है, और उसके बाद ही फिर मुझे तसल्ली होगी। तो वही मैं आई थी देखने के लिए। तो ठीक है, सब बच्चे खिला रहे हैं वहाँ पर, देखिए यहीं पर हैं सारे बच्चे, तो वहीं पर पपी दिख रहे हैं सारे। तो चलिए मैं जा रही हूँ घर पर।